बाबा नानक दे नज़दीक आउंदे पिंड पड्डा विखे कुछ दिन पहला गुरद्वारा साहब जी के ग्रंथी वालों गुटका साहब जी के अंगा की बेअदबी की गई सी। उस दे संबंध में पछताप लिए रखे गए श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए। इस उपरंत भाई गुरमीत सिंह रागी जथे वालों गुरबाणी के कीर्तन किए गए और संगतों की हाजिरी में पछताप की अरदास बेनती की गई। इस मौके दमदम की टकसाल के भाई अमरीक सिंह अजनाला भाई लखविंदर सिंह आदिया सुखविंदर सिंह अगवान होर पंथक जथेबंदियों के आगुआ ने संबोधन करदा कहा कि जिथे उक्त ग्रंथी पलविंदर सिंह वालों मंदभागी घटना अंजाम दिता गया सी उत्थे सच्चाई सामने आने के बावजूद भी पछताप में पिंड वासियों वालों हाजरी ना भरना कितना कितने प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आशकर अजमाला की विशेष रिपोर्ट आल पंजाब न्यूज। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਗਿਆ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो बगदा पिया जो कोई सारी व्यू सुन लियो जाके। ते अगली गल मैं कर लगा जे इस गुरद्वारा साहब के विच तुसी वाजिब प्रबंध ना कर सके इतने सांभ संभाल ना हुई तो मजबूरन सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप इतों दरबार साहब जाना पेगा। तुसी इहनू लाइब्रेरी बना लियो, जिम बना दियो, जो मर्जी बनाई फिर जो तुहानू कदर ही है नहीं गुरु की, तुहानू पता ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब है की आ। साडा मन दुखी होया वेख के रोण आउंदा सी महाराज दे अंग पए वेख के, ते हुण वी असीं लंघ के आए ते लोग मोड़ा ते खलोते इवें जिवें तमाशबीन खलोते हुंदे आ। पर मेरी गल याद रखो गुरु ग्रंथ साहब दी झूरी जमा कह के चलिया, ये तुहाडे पिंड दा रहना कख नहीं ते जे गुरु नूं ना संभालिया, जे गुरद्वारे दी सांभ संभाल ना होई ते जे लुकाउण दी गल कीती ते पहली गल दा पता लग गया ना उह नसर होई आ, ते इहनूं बाद च जो कमेटी ने जां ग्रंथी ने जां पिंड वालिआं कोल कीता ते पता सानूं उह वी लग जाणा। ते जिन्नी गुरु ने हिम्मत बख्शी मता जाणे उह लिहाज लवांगे किसे दा, कोई लिहाज नहीं जे हुण इत्थे गुरु तों उत्ते कोई नहीं हैगा, ना साडा मां ते ना साडा प्यो। महाराज कहिंदे जिन भाई अद बंदा बाणी धारा जाणो सो सिख नहीं हमारा, कहते सिख ही नहीं मेरा वो जिन्हों गुरबाणी का सत्कार नहीं करना आता। राम राय गुरु का पुत्र ही सी ना, जमया पालिया हथी जवान किया ताकत शक्तियां दित्तियां, तो गुरबाणी की एक तुक बदली तो महाराज ने आखिया इधर मुड़ के ना आई परलिया लिहाज नहीं जाना। मैं कोई विचार कथा करने वास्ते नहीं, मैं तुहाडे सामने रखन लगा और जो ताडा ग्रंथी पकदा पिया उत्थे जाके थाने दे विच चार शैतान नहीं करते उन्हें भी दसिया मेरे नाल कौन शराब पीता रहा, कौन मैनू लिया के दिता रहा, किन्नी बारी मैं गुरजे साहब सारे इत्थे किन्नी बारी बेअदबी की आ, ते शर्म उन्हां लोकां नूं होनी चाहिए जिहड़े अजे वी उहदा पक्ष पुरी जांदे। जो असीं इत्थे आए कहण लगे जी नहीं आपां इह जाण बुझ के साजिश घड़ी गई है जी इत्थे, उह ते सारी रील बन गई उन्हें जाके उत्थे। दो तक मैं गल कह चलिया मेरी जिंदगी रही ते तुहाडे पिंड दे विच जे किसे ने कोई ऐसी हरकत कीती चौंदर दी खातर कोई गुरु दी निरादरी कीती ते जाओ ओह नहीं ते जांदा नहीं इह हिसाब ला लिओ। बड़ा दुख हुंदा शरीर नूं कमली छिड़दी पई आ, ओह इत्थे गड़ गए हो तुसीं अफगानिस्तान च रहिंदे हो तुसीं, तुसीं ते तालिबानियां नूं वी मारे हो, ओह वी कितें गुरु ग्रंथ साहिब दा ते सत्कार करदे होणगे, तुहाडे पिंड नूं ते इन्नी वी कदर है नहीं कि तुहाडे पिंड च निरादरी होई नालियां च गुरु दे अंग रोले गए ते महाराज घर भोग पाया होवे ते चंद को शरीर ओह वी बहुते बाहरों आ के बैठे इत्थे 200-300 किलोमीटर तो चल गए ते सिंह आए आ, चार कदम जिहड़ा अज इत्थे गुरु घर चल के नहीं पहुंचिया वह गड़किया नहीं ते की आ, गड़क चुके लोग ने। तुसी ते ओही हो जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत होई ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा जीवन सिंह नूं पुछिया सी कि सिख किन्ने कु सी उत्थे, उन्हें कहा महाराज है बड़े सी पर बाहर कोई नहीं आया। हुण तुसी कहो पुछो किसे नूं पिंड चों तू सिख आ बड़ा चौड़ा छाती करके कहो मैं सिख आ, किहदा सिख आ,
गुरु ग्रंथ साहब जी दा तेरे प्यो की पात्र रोली गई, तेन शर्म नहीं आई? तेरे प्यो शरेआम नालियां च रोड़िया गया, तेन शर्म नहीं आई? पर यह पिंड जरा ना दुखी होकर मैं कुछ आना नहीं गल कर रहा, गर गया हो पिंड है। बड़े कहते इतने सज्जन मेरे पिंड बड़ा चंगा जी। चंगा कि चंगा पिंड है? की चंकी करतूत की थी तुम? हूं चंगा बन जाओ, अगे ही सुधर जाओ। पर अजे भी वो करी जाते ग्रंथी का धक्का हो जी, फलानी गल हो जाके पुलिस महकमे ने पुछ लो। ऐडा चिट्ठा मैं पढ़ के आया जरा उन्हें अपने बयान च लिखाया सारा, कि मैं शराब पींदा रहा, मांस मैं खाता रहा, तो जो हो करतूतों ने मैं गुरु की झूरी नहीं बोल सकता। समझ जाओ, अजे भी समझ लो, जे ना समझने तो फिर सानू गुरु ने सेवा दी है। फिर मता जाने भी ये प्रधान है गुरुद्वारे का, ये मैंबर है जी, ये फलाना जी, आह नहीं जो लिया लेना गेट, बिल्कुल लिया ही नहीं जो होना इतने, जे गुरु की सेवा का संभाल ना हुई। इनिया बेनती खिमा दे जा बाबा जी, पिंड पड्डा च यह घटना वापरी है जी बेदबी की, ये संबंध की कहना चाहते? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देशां अते विदेशां विच वसदे समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं पता है कि यह बेअदबी वाली घटना 5 साल 5 महीने तो अज 13 दिन हो गया रुकदियां नहीं। ये साड़ी सारी सिखां दी आण गहलियां करके खुद गरजियां करके, क्योंकि असी 2 कम्मां वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी रखिया, एक मर्ग दे भोग वास्ते ते आनंद कारज वास्ते, गुरु मनण वास्ते ते गुरु पूजन वास्ते नहीं। जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण लग पे, पूजा करन लग पे, साडे मन विच गुरु दा प्यार सत्कार दुख ते दर्द आ गया, उस दिन गुरमुखों बेअदबियां अवश्य रुकणगियां। बाकी जिहड़ियां प्रबंधक कमेटियां ते ग्रंथी सिंघ आ, आम तौर पर कहते हैं कि ग्रंथी सिंघां दा सत्कार नहीं हुंदा। जदों असी गुरु दा भाव भगती दे नाल सत्कार ना करांगे तो साडा भी गुरमुख सत्कार नहीं होना। जिहड़ियां प्रबंधक कमेटियां ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਕਰੀਏ। ਨਗਰ ਪੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪਛਤਾਚਾਤ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵਾਕਫ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ।